दोस्तों न्यूरल कोऑर्डिनेशन या फिर एंड न्यूरल कंट्रोल यूनिट। तो सबसे पहले तो वर्ड आ जाता है न्यूरल। न्यूरल रिलेट्स विद नर्वस सिस्टम। उसके बाद कोऑर्डिनेशन क्या है? हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन में चलना चाहिए, क्लास में, स्कूल में स्टूडेंट्स को आपस में कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए उनमें आपस में। तो मतलब जब बहुत सारे लोग या बहुत सारे हमारे ऑर्गन्स जो है आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं और एक ही फंक्शन के लिए स्पेसिफिकली काम कर रहे हैं, तो कोऑर्डिनेशन इज द प्रोसेस इन विच मोर देन वन ऑर्गन्स इंटीग्रेट विद ईच अदर। And complement a specific process. किसी एक specific process के लिए वो मतलब two organs है जो हमें energy दे रहे हैं एक के बाद दूसरे, पर energy किस लिए चाहिए? भागने के लिए चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगेन हम जो मैंने बताया है फिजिकल एक्सरसाइज है। फिजिकल एक्सरसाइज में क्या चाहिए? मसल्स के मूवमेंट चाहिए। मसल्स के मूवमेंट के लिए क्या चाहिए? बहुत सारी एनर्जी चाहिए। एनर्जी चाहिए मतलब अब हम आ रहे हैं कि प्रोसेस क्या है? फिजिकल एक्सरसाइज। इसके लिए रिक्वायरमेंट्स क्या है? मसल कॉन्ट्रैक्शन। इसको क्या चाहिए? लॉट ऑफ एनर्जी। एनर्जी के क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। और ऑक्सीजन के लिए ब्लड सप्लाई इंक्रीज इन स्पेसिफिक मसल्स, ठीक है जी। और यहां पे ब्लड फ्लो, और इसके लिए क्या चाहिए? अगेन ज्यादा अगर ब्लड फ्लो चाहिए है तो इंक्रीज रेट ऑफ हार्ट बीट ये चाहिए। एंड ऑल दीज प्रोसेसेस यू कैन से ऑल दीज यू नो एक्टिविटीज of body occurs in coordination which is maintained by ये coordination कौन control करता है? Maintained or controlled by nervous system. Is it right? कि
ऑल दीज एक्टिविटीज ऑफ बॉडी, मतलब हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, मूवमेंट ऑफ हार्ट, फिर लंग्स, फिर ब्लड वेसल्स एंड मसल्स, ये सब साइमल्टेनियसली काम कर रहे हैं. और इन सब ऑर्गन्स को कौन कोऑर्डिनेट कर रहा है, दैट इज इट इज कोऑर्डिनेटेड बाय द न्यूरल सिस्टम. ठीक है, अनदर थिंग, हमारी बॉडी में सिर्फ न्यूरल सिस्टम कोऑर्डिनेट नहीं करता है, एंडोक्राइन सिस्टम इन अवर बॉडी along with neural system, there is also present endocrine system for coordination of बॉडी फंक्शंस, क्योंकि ये दोनों न्यूरल सिस्टम एंड यू नो द एंडोक्राइन सिस्टम, दे वर्क टुगेदर फॉर द कोऑर्डिनेशन ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी. सो द ब्रांच ऑफ साइंसेस, एंड दिस इज क्या सिंपल, दिस इज कॉल्ड एज न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजी. न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजी. और यहाँ पे क्या फर्क है दोनों में, आप चाहे लाइन लगा के दो कॉलम करके लिख लेना. न्यूरल सिस्टम इज फर्स्ट पॉइंट है क्विक इन एक्शन, send messages to the target organ through nerves. brain से या spinal cord से nerves के through target organ connect होता है. provide point to point connection, connectivity हम कह सकते हैं. जैसे हम स्पेसिफिक्स ही बताती भी हूँ कि भी अगर हमने एक टैप लिया है और पाइप लगा दी है, और वो पाइप जहां पर जाके जिस खेत में जो है वो जाकर खुलेगी, तो वहीं पे ही पानी जो है वो रिलीज होगा. और एक है हमने नलका चला दिया और वो आसपास की सारी जगह में फैल रहा है, हमने तो पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन नहीं किया, जिस जिसको जितना चाहिए वो उतना पानी ले लेता, राइट. तो इसी तरह से जो एंडोक्राइन सिस्टम है पहली बात तो स्लो इन एक्शन, works through chemical messengers that is hormones. Hormones are released in blood and are circulated in the body. ये point to point connection नहीं दे रहे हैं hormones. Blood में release कर दिया, अब सारे blood में फैल गया है. जहां पे इसके receptors होंगे hormone के,
वहां पे एक्शन हो जाएगा। जबकि न्यूरल सिस्टम है उसका बड़ा स्पेसिफिक है कि मैंने इसी को मैसेज भेजना तो वहीं पर ही जाएगा, राइट। बट द बोथ दे वर्क इन सिंक्रोनाइज्ड फैशन, राइट। तो यहाँ पे स्टार डालती है मतलब उसके नीचे, यहाँ पे दोनों का मोड ऑफ एक्शन डिफरेंट है बट ऑल्दो द टू हैव डिफरेंट मोड ऑफ एक्शन बट आर synchronized for integrating body functions। और अगर इनका तालमेल खराब हो जाएगा न्यूरल सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम का तो हमारी बॉडी में बहुत सारे डिजीजेस हो जाए। इज इट ओके? ठीक है, तो ये पहले आप लिखो और फिर हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा न्यूरल सिस्टम। यू नो बेसिक यूनिट basic unit of neural system ya nervous system is neuron, highly specialized cell hai, cell hi hai, highly specialized cell divided into different parts such as axon, cell body, dendrites। आप सबको पता है क्योंकि ये किया हुआ है सबने तीनों में, पर फिर भी मैं डायग्राम अभी बनाऊंगी, ठीक है इसके डिफरेंट पार्ट्स है बट इट इज यूनिन्यूक्लिएटेड and cannot divide because it is highly specialized। तो इसलिए कभी भी इसको यह डिफरेंशिएशन नहीं हो सकती, इसलिए यह डिवाइड नहीं कर। No neurons are added after birth। कोई भी न्यूरॉन अगर जितने बन गए बर्थ के टाइम उतने ही न्यूरॉन्स होते हैं, इससे ज्यादा नहीं है, ठीक है। न्यूरॉन्स क्या करते हैं, वो डिटेक्ट, वो कोई भी स्टिमुलस है, एनवायरमेंटल स्टिमुलस है या अंदर इंटरनल स्टिमुलस है, उसको डिटेक्ट करते हैं, फिर उसको ट्रांसमिट करते हैं, और फिर मेरा मतलब ट्रांसमिट बिटवीन बॉडी एंड ब्रेन या फिर ब्रेन टू बॉडी। सो न्यूरॉन्स पहले डिटेक्ट फिर रिसीव एंड ट्रांसमिट वेरियस एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्टिमुलस। पहले ये डिटेक्ट करते हैं, फिर रिसीव करते हैं और फिर ट्रांसमिट करते हैं। न्यूरॉन्स जो है फर्स्ट ओरिजिनेटेड इन सबसे पहले किसने आए थे, फाइलम सीलेंट्रेटा,
या फिर फाइलम सीलेंट्रेटा को हम क्या बोल देते हैं, नाइडेलिया। एग्जाम्पल आ जाता है हल्का। और भी बहुत सारे हैं बट फॉर एग्जाम्पल सिंपल है, ठीक है। देयरफॉर न्यूरॉन्स जो है आर सिंपलेस्ट इन सीलेंट्रेट एंड मेनली तो सीलेंट्रेट में सबसे जिसमें सबसे पहले आए एंड वेरियस अदर लोअर इनवर्टिब्रेट्स। हायर कौन से इनवर्टिब्रेट्स होंगे, जैसे यू कैन से मोलस्क्स, आर्थ्रोपोड्स, ये सब हायर, राइट। देयरफॉर अगर हम मैक्सिमम कहते हैं न्यूरल सिस्टम बेटर ऑर्गेनाइज्ड ऑर्गेनाइज्ड इन इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स का मतलब फाइलम आर्थ्रोपोडा। इसमें यहां तक आते आते न्यूरॉन्स जो है वो बेटर हो गए, बेटर ऑर्गेनाइज हो गए। इन विच यहाँ पे सिंपल न्यूरॉन्स प्रेजेंट है, इन इंसेक्ट्स यहाँ पे न्यूरॉन्स इतने ऑर्गेनाइज हो गए कि उन्होंने क्या बना दिया, ब्रेन बना दिया। इन इंसेक्ट्स ब्रेन इज प्रेजेंट। अलोंग विद गैंग्लिया, अभी हम बताएंगे कि गैंग्लिया क्या है एंड न्यूरल टिश्यूज। तो यहाँ पे मेन क्या आ गया, ब्रेन की एवोल्यूशन है, ठीक है। नेक्स्ट है न्यूरल सिस्टम मोर कॉम्प्लेक्स एंड एडवांस्ड इन वर्टिब्रेट। सबसे पहले आए सीलेंट्रेट्स में सिंपलेस्ट था, उसके बाद इंसेक्ट्स में जाकर मोलस्क में जाके थोड़ा सा और वो डिफरेंशिएट हुआ और कॉम्प्लेक्स हुआ, जबकि मोस्ट कॉम्प्लेक्स जो है वो वर्टिब्रेट्स, ठीक है। लिखो नेक्स्ट हम आ जाते हैं ह्यूमन न्यूरल सिस्टम। तो मैंने आपको क्या बताया, ये आपने पहले भी किया हुआ, बेसिक यूनिट जो है वो है न्यूरॉन। They can be non-polar. Non-polar means has only, या हम कह सकते हैं no processes. Only साइटोन प्रेजेंट। ये ह्यूमंस में तो नहीं बट एग्जाम्पल है हाइड्रा सीलेंट्रेट्स। उसके बाद आ जाते हैं नॉन पोलर को ई पोलर भी कह देते हैं, ए पोलर न्यूरॉन। नेक्स्ट हम आ जाते हैं यूनिपोलर न्यूरॉन्स, साइटोन एंड एक्सॉन। साइटोन एंड दिस इज एक्सॉन एंड
इट इज प्रेजेंट इन द अर्ली एम्ब्रियोस ऑफ ह्यूमंस. नेक्स्ट हम आ जाते हैं बाइपोलर डेंड्राइट साइटोन एंड एक्सोन. वन डेंड्राइट साइटोन एंड दिस इज एक्सोन. टू प्रोसेसेस. बाइपोलर का मतलब है टू प्रोसेसेस. साइटोन में तो होना ही है डेंड्राइट एंड एक्सोन. एग्जाम्पल है ऑल्फैक्टरी न्यूरॉन्स जो हमारे नोज में है ऑल्फैक्शन के लिए स्मेलिंग के लिए काम आते. अनदर इज रॉड्स एंड कोन्स इन रेटिना ऑफ आई. ये है बाइपोलर. और उसके बाद है मल्टीपोलर. मैनी प्रोसेसेस. इसमें मोर देन वन डेंड्राइट्स. एक्सॉन एक ही होता है वन एक्सॉन और फिर साइटोन तो है. That is multipolar. These are most common या फिर most abundant neurons. These are dendrites. This is cyton, and this is exon. Exon part, किसी में भी, not only multipolar. Exon part of neuron is, इसको हम क्या बोलते हैं? Nerve fiber. This is called as nerve fiber. Okay? And bundle of nerve fibers. मैं ये लिख रही हूँ nerve fibers form a nerve. अगर ये बाकी का नहीं सिर्फ ये जो axon part है ये bundles में present है और इनको हम क्या बोल देते हैं उस bundle को हम बोल देते हैं nerve. लिखो ये आगे करते हैं. नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा टाइप्स ऑफ नर्व फाइबर्स. अगेन नर्व फाइबर्स की बात हम कर रहे हैं न्यूरॉन्स की नहीं. टाइप ऑफ नर्व फाइबर्स बेस्ड ऑन देयर फंक्शन. Sensory nerve fibers and motor nerve fibers. Sensory nerve fibers कौन से होंगे which take impulses from हाँ जी. Sensory को हम और क्या बोल देते हैं afferent nerve fibers. ये है efferent nerve fibers. They transmit impulses
फ्रॉम रिसेप्टर्स, जिन्होंने रिसीव किया, टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम. फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम ने इस इंपल्स को इंटरप्रेट किया कि ये क्या है, किस चीज की स्मेल है लटर से, और फिर बताया हमारे नाक को, हमारे नोज को, कि ये इस चीज की स्मेल है. ठीक है, तो इसी तरह से एप्रन दे, अब ब्रेन से मैसेज भी तो लेके आना, ट्रांसमिट मैसेजेस फ्रॉम सीएनएस टू इफेक्टर्स. इफेक्टर्स मीन्स जिन्होंने एक्ट करना है, और इफेक्टर्स कौन से होते हैं ये पता होना चाहिए. इफेक्टर्स आर, एक्ट कौन कर रहा है, या तो मसल्स कर रहे हैं या फिर ग्लैंड्स. खाना आ गया हमारे स्टमक से, मैसेज किया हमारे ब्रेन को कि भाई खाना आ गया है, तो ब्रेन ने आगे मैसेज किसको दिया, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स को, टू सिक्रीट गैस्ट्रिक जूस. राइट, तो दिस इज एफ्रंट एंड ईफ्रंट. उसके बाद आ जाता है बेटा टाइप्स ऑफ नर्व फाइबर्स बेस्ड ऑन कॉम्पोजिशन. तो माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स एंड अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर्स. माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स का क्या मतलब है, जिसमें माइलिन शीथ प्रेजेंट है. राइट, तो क्या है, मैं सिर्फ नर्व फाइबर बना रही हूं. These are, what are these? These are axon terminals. Or axon endings. This is the membrane of the axon. Axolemma. एक्सोलेमा के बाहर ये आ जाती है बेटा फैटी टिश्यू की माइलिन शीथ. किसकी बनी हुई है, फैटी टिश्यू की, लिपिड्स की बनी हुई है. कौन सी है ये है माइलिन शीथ आउटसाइड एक्सोलेमा. और आप देख रहे हो माइलिन शीथ डिसकॉन्टिन्यूअस है, इसलिए यहाँ पे जहां पे माइलिन शीथ नहीं है, दीज आर कॉल्ड एज नोड्स ऑफ रेनवियर. मैंने तुम्हें थोड़ा सा डिस्टिंक्ट दिखा दिया है, अदरवाइज इतनी डिस्टिंक्ट नहीं होती है. बहुत ही थोड़ी, सो दीज आर नोड्स ऑफ रेनवियर एंड दिस इज माइलिन शीथ. आउटसाइड दिस, आउटसाइड माइलिन शीथ इज प्रेजेंट
श्वेन सेल, these are Schwann cells. Schwann cells of neurium, right? और अंदर क्या है? अंदर है एक्सोप्लाज्म, और क्या यहां पे प्रेजेंट है? न्यूरोफिल्स, दिस इज माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स। और अगर हम नॉन माइलिनेटेड में देखें this is exolemma, मैं ए L लिख रही हूं, आपने पूरा लिख लेना है exolemma, और फिर ये है न्यूरिलेमा, दिस इज न्यूरिलेमा, श्वेन सेल्स है, बट देयर इज नो माइलिन शीथ। सो दिस इज अबाउट माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स, मतलब माइलिन शीथ प्रेजेंट, वहां पे माइलिन शीथ एब्सेंट ही। सो माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स, दीज आर प्रेजेंट इन, अभी हम करेंगे क्रेनियल एंड स्पाइनल नर्व्स। क्रेनियल मींस ब्रेन, स्पाइनल मींस स्पाइनल कॉर्ड, यहां पे पड़ी है, जबकि ये जो है दीज आर प्रेजेंट इन, इसमें प्रेजेंट है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, अभी हम ये सारा करेंगे आपको पता चलेगा, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एंड सोमैटिक नर्वस सिस्टम, राइट। सो देयर आर टू टाइप ऑफ नर्व फाइबर्स बेस्ड ऑन द कॉम्पोजिशन, ठीक है बेटा, करो ये डायग्राम दोनों बना लो, जिसमें माइलिन शीथ प्रेजेंट है और इसमें माइलिन शीथ नहीं प्रेजेंट। नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, तो डेंड्राइट्स जो है इनको भी हम क्या बोल देते हैं? एप्रन प्रोसेसेस, नर्व फाइबर्स नहीं, दीज आर एप्रन प्रोसेसेस, दे रिसीव नर्व इंपल्स फ्रॉम प्रीवियस न्यूरोन, पिछले न्यूरोन से ये रिसीव कर, एंड कंडक्ट टू सेल बॉडी, हैज न्यूरोफिब्रिल्स तो है ही है, न्यूरोफिब्रिल्स
एंड निसल ग्रेन्यूल्स. एंड व्हाट आर निसल ग्रेन्यूल्स? दीज आर राइबोसोम्स. एंड व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द राइबोसोम्स? दैट इज सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स, राइट. सो निसल ग्रेन्यूल्स आर, यू नो, इनको हम क्या कह देते हैं, दैट इज ग्रेनुलर स्ट्रक्चर्स. रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस. उसके बाद आ जाता है बेटा सेल बॉडी, जिसको हम और क्या बोल देते हैं, साइटोन. और क्या बोल देते हैं, सोमा. एक ही बात है, हैज न्यूक्लियस, इसमें न्यूक्लियस है, अदर ऑर्गेनेलीज है, एंड निसल ग्रेन्यूल्स. NISSL E नहीं है, निसल ग्रेन्यूल्स, राइट. सो दिस इज साइटोन. न्यूक्लियस है तो सारी कमांड जो है वो किसके पास प्रेजेंट है, दैट इज, यू नो, साइटोन के पास ही प्रेजेंट. देन देयर इज एक्सोन, हैज न्यूरोफिब्रिल्स बट लैक निसल ग्रेन्यूल्स. बाउंड बाय एक्सोलेमा एंड न्यूरिलेमा. जो एक्सोलेमा है, एक्सोलेमा इज ए मेम्ब्रेन फॉर्म्ड ऑफ, जो टिपिकल मेम्ब्रेन होती है, फॉर्म्ड ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स. जो न्यूरिलेमा है, इट इज फॉर्म्ड ऑफ, यू नो, श्वान सेल. Then it is exon के बारे में, it is efferent process as it conducts, जो दूर लेके जाता है, conducts impulse from one neuron to नेक्स्ट एडजस्टेंट न्यूरॉन, उसके पास भेज रहा है. तो दिस इज एफरेंट प्रोसेस. हैज एक्सॉन टर्मिनल्स एंडिंग इन synaptic node, जो हम this is synaptic node, ये पूरा लिखते हैं, ठीक है. synaptic node consists of न्यूरो ट्रांसमीटर वेसिकल्स. इट हैज न्यूरो ट्रांसमीटर वेसिकल विच स्टोर न्यूरो ट्रांसमीटर सच एज
एसिटाइलकोलाइन या डोपामिन या सीरोटोनिन। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूरॉन, इज इट ओके? ठीक है, लिखो ये। नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा पार्ट्स ऑफ ह्यूमन न्यूरल सिस्टम। तो हमारे पास इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, सेंट्रल न्यूरल सिस्टम और दूसरा है पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम। द सेंट्रल न्यूरल सिस्टम इट हैज ब्रेन, इट हैज स्पाइनल कॉर्ड, जबकि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है इट कंप्राइजेस ऑफ ऑल द नर्व्स विच कनेक्ट वेरियस बॉडी पार्ट्स विद सेंट्रल नर्वस। जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, सोमेटिक न्यूरल सिस्टम एंड ऑटोनोमिक न्यूरल सिस्टम। जो सोमेटिक न्यूरल सिस्टम है इट कंडक्ट इंपल्सेस बिटवीन, यू कैन से बिटवीन स्केलेटल या वॉलंटरी मसल्स एंड CNS। इन दोनों के बीच में इंपल्सेस है वॉलंटरी मसल्स एंड CNS, इसलिए सोमेटिक। ऑटोनॉमिक जो खुद काम करता है, इट हैज नर्व्स विच कनेक्ट CNS विद visceral parts of the body. Visceral means involuntary, जो हमारे control में नहीं है, they are called as involuntary parts of the body. That is, हम क्या कह सकते हैं? Involuntary organs plus smooth muscles plus cardiac muscles, ये सब आ जाता है, that is visceral nervous system, right? जो visceral nervous system है, it is further divided या दोनों का ही हम बता दें, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, सॉरी जो सोमेटिक न्यूरल सिस्टम है, इट हैज क्रेनियल नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व्स।
जबकि जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है इट कंसिस्ट्स ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम. इज इट राइट? ठीक है दी. और उसके बाद हम थोड़ा सा ब्रेन के बारे में बताते हैं, डिवीजन ही बताऊंगी, आप उसके नीचे ही लिख लेना. ब्रेन थ्री पार्ट्स है, फोर ब्रेन प्रोसेंसेफलॉन देन देयर इज मिड ब्रेन मेसेंसेफलॉन हिंड ब्रेन रोम्बेंसेफलॉन और ब्रेन इज सेफलॉन. फोर ब्रेन में क्या क्या पार्ट्स है? ऑल्फैक्टरी लोब्स, सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स और तीसरा पार्ट क्या आ जाता है? डायनसेफलॉन. और डायनसेफलॉन में क्या मेन पार्ट है? हाइपोथैलेमस, एपिथैलेमस एंड थैलेमस. मेसेंसेफलॉन इट हैज कॉर्पोरा, क्वाड्रिजेमिना एंड यूनिक्यूलर स्टॉक्स. और हिंड ब्रेन में हैज पॉन्स, सेरिबेलम एंड मेडुला ऑब्लॉन्गेटा. These are the parts of the brain in total. ठीक है बच्चों, तो आज हम यहां तक हम करेंगे. कल हम करेंगे दैट इज कल या परसों जो भी होगा, मैं आई विल टेल यू दैट इज कंडक्शन ऑफ. इसकी फिजियोलॉजी पहले करेंगे फिर हम इसका स्ट्रक्चर करेंगे. कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स, राइट? आप ये लिखते हैं.